परिवार के साथ मिले, उसके ढाढ़स भी बंधाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हो गया दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पिताजी ने कहा गरीब परिस्थिति है, उन्होंने अपनी व्यथा भी सुनाई उन लोगों को और अध्यक्ष जी और संदीप साहू जी दोनों कल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बात कही कि एक तो इसकी जाँच होनी चाहिए जी। हमने SDM दंडाधिकारी जाँच नहीं कराई बल्कि प्रशासनिक जाँच है, कमिश्नर लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसे मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की बात और तीसरा 10 लाख रुपया सहायता राशि दी जा रही है, तो वो मांग की गई और उसको हमने तुरंत घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जांच किए न रिपोर्ट बनाए, सीधा आक्रमण दूसरे दिन बंद का आह्वान। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया, जबकि दो बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं, मुसलमानों से, वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके रोकने की क्या कोशिश की? तो आपको केवल राजनीति की रोटी सेकना है, अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बना कर रखते हैं, सांसद बनाते हैं और दूसरे के लिए दूसरा कानून। लेकिन ऐसी घटना होती रहेगी। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।